हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास एट लेसन 13 कार। लेसन कौन सा आपका? लेसन 13 कार। इसमें अभ्यास देखेंगे, जिसे दिया गया नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, काल से आप क्या समझते हैं? तो इसे आपको बुक से लिखना, उसमें दिया गया काल के कितने भेद, आपको पता है कितने भेद है उनके नाम लिख देना है। भूतकाल के कितने भेद है उल्लेख कीजिए, अर्थात भूतकाल कितने भेद उनके नाम लिख देना है। संदिग्ध वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं उसकी परिभाषा लिखना है। और हेतुमद भूतकाल से क्या समझते हैं इसका भी आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है। इसके बाद देखेंगे नंबर टू, नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित कर उनके काल के भेदों का उल्लेख कीजिए। पहले आपको ये कंफर्म करना है इसमें क्रिया कौन सी है, क्रिया के नीचे अंडरलाइन कर देना, उसके बाद उसके भेद का नाम लिखना। जैसे पहला है, छात्राएं कक्षा में पढ़ रही हैं, तो पढ़ रही हैं अंडरलाइन कर देंगे, और इसमें कौन सा काल होगा उसे लिखना है। तो पढ़ रही हैं मतलब ये चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। दूसरा है, शिवा गीत गाती है, तो गाती है क्रिया हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। दीपा चली गई, तो चली गई क्रिया हो जाएगा, क्योंकि चलना जाना ये सभी क्या क्रिया है, तो चली गई क्रिया हो गई। तो यहां अंडरलाइन कर दो, उसे गई होगी क्रिया, चली गई, लेकिन दोनों एक में मिले जुले हैं, मेन मुख्य क्रिया चली होगी, ये तो इसका सहायक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे और यहां लिख देंगे सामान्य भूतकाल। फिर मैंने जूता सिलवाया, बीते हुए समय का बोध हो रहा, सिलवाया तो क्या हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अब मुंबई में पवन स्प्रे छूट चुकी होगी, ये क्या हो जाएगा, छूट चुकी होगी अर्थात कंफर्म इसको नहीं है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वह आए तो मैं जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, वह आए तो मैं जाऊं, ये हो जाएगा हेतुमद भविष्यत काल हो जाएगा। इसके बाद छा देखेंगे, लड़के मैदान में खेल रहे थे पहले तो कंफर्म है, क्या हो जाएगा, ये भूतकाल, भूतकाल में कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल, खेल रहे थे, तो इसको अंडरलाइन करेंगे और यहां लिखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अंगूरी चली गई थी, इसको देखेंगे, चली गई थी मतलब अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और बीते हुए समय का बोध हो रहा, तो क्या हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। उसने कई किताबें लिखी हैं, अगर बीते हुए समय का बोध और हा है ही में से कोई आता तो हो जाता आपका आसन्न भूतकाल। ओके, इसके बाद तीसरा देखेंगे, क्रियाओं के रूप बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे श्वेता चली गई, इसको किसने बदलना, सामान्य भविष्यत काल में बदलना, क्या हो जाएगा श्वेता चली जाएगी। फिर विद्या फलवती होती है, सामान्य भूतकाल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा विद्या फलवती होती थी। फिर है, नरेश जिल्द बंदी कर रहा है, अपूर्ण भूतकाल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा नरेश जिल्दबंदी कर रहा था हो जाएगा। शायद वह आया हो, संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा शायद वह आता हो। वह खाए तो मैं पकाऊं, हेतुमद भूतकाल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा इसे क्या किसे बदलना है, हेतुमद भूतकाल में, क्या हो जाएगा वह खाता तो मैं पकाता। फिर है, स्वर्णिमा का कक्षा 8 में पढ़ती है, सामान्य भविष्यत काल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा स्वर्णिमा का कक्षा 8 में पढ़ेगी। ओके, फिर नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन में दिए गए उचित क्रिया की सहायता त्रिस स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, शालिनी ने अपनी धुंधली आंखें से हवेली को अंतिम बार देखेगी, देखा या देखी, तो इसमें आप लगा सकते हैं शालिनी ने अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखेगी, क्योंकि उसके बाद उसकी आंखें क्या है, वो कुछ नहीं देख पाएगी, इसका मतलब अंतिम बार वो देखेगी, फिर उसके बाद वो देखना उसके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंखें क्या हो रही है, धुंधली हो रही है। तो यहां क्या लिखेंगे, देखेगी, तो हो जाएगा शालिनी
ने अपनी दुधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखेगी। ओके, इसके बाद यही अंतिम दर्शन था, यहां था लगा देंगे, यहां पे थे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम थे। फिर है शेर पास आ खड़ा, इसमें पढ़ना हुए हुआ हुए हुई हुआ हुए, तो क्या हो जाएगा, हुआ हुआ, शेर पास खड़ा हुआ। गल्ला बहुत सस्ता, खाली स्थान था, इसी में से कोई भरना है, हो गया होता या हुआ, तो क्या हो जाएगा, गल्ला बहुत सस्ता हो गया था, तो क्या लिखेंगे, हो गया। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय है पाई पाया पाए, क्या हो जाएगा, पाई। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। चा देखेंगे, मेरा दिल दर्द से चीख उठी उठा या उठे, यहाँ पे होगा उठा, मेरा दिल दर्द से चीख उठा। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट देखेंगे, यदि वह आएगा तो मुझे भी साथ, क्या होगा, ले जाएगा, तीनों में से क्या होगा, ले जाएगा, तो यदि वह आएगा तो मुझे भी साथ ले जाएगा। तो इसमें जो पढ़ाया गया है, जिस प्रकार से बताया गया, उस प्रकार से आप सभी लोग अपने बुक को फिलअप करेंगे और प्लस कॉपी में भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। ओके।